ठीक है। संख्या मीन्स होता है गिनती, और गिनती को हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर, क्या कहेंगे, नंबर या नंबर, ठीक है। सेकंड बेटा कारोबार, सेकंड क्या वर्ड दिया है हमें, कारोबार। कारोबार मीन्स होता है व्यापार, ठीक है। कारोबार मीन्स क्या होता है, व्यापार, और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस, क्या कहते हैं, बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है आग्रह, नेक्स्ट वर्ड क्या है, आग्रह। आग्रह मीन्स होता है हठपूर्वक या प्रार्थना, ठीक है। क्या होता है, आग्रह मीन्स हठपूर्वक या प्रार्थना, रिक्वेस्ट, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, आग्रह करना, ठीक है। नेक्स्ट है परिश्रम, परिश्रम मीन्स होता है मेहनत। परिश्रम मीन्स क्या होता है बेटा, मेहनत, और मेहनत को हम इंग्लिश में कहेंगे लेबर, ठीक है, लेबर। नेक्स्ट है उलझन, उलझन मीन्स होता है सोच, ठीक है। उलझन मीन्स क्या होता है, सोच या डबल माइंडनेस, ठीक है, डबल माइंडनेस। फिर होता है विपरीत, विपरीत मीन्स होता है उल्टा। विपरीत का मीन्स क्या होता है बेटा, उल्टा या अपोजिट, ठीक है। विपरीत मीन्स होता है उल्टा, और उल्टे को हम इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट, ओके। नेक्स्ट है बेटा समाधान, ठीक है। समाधान मीन्स होता है हल या सॉल्यूशन, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका हम समाधान ढूंढते हैं, उसका हल, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाभ, ओके। लाभ मीन्स होता है फायदा, लाभ मीन्स क्या होगा बेटा, फायदा, और फायदे को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट, क्या कहेंगे, प्रॉफिट, ओके, लाभ, फायदा या प्रॉफिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौखिक क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दो। बड़ी बेटी ने अपने पिता को क्या बताया, तो बड़ी बेटी ने अपने पिता को क्या बताया था, बड़ी बेटी ने अपने पिता को बताया था कि पिताजी इस साल हमने बहुत मेहनत करके बड़ी संख्या में बर्तन बनाए, मतलब हमने बहुत सारे बर्तन बनाए हैं, बस अगर वर्षा ना हो तो हमारा कारोबार खूब चलेगा, ठीक है, ये कहा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, छोटी बेटी ने अपने पिता से क्या कहा, छोटी बेटी ने अपने पिता से क्या कहा था, छोटी बेटी ने अपने पिता से कहा था कि पिताजी इस साल हमने कई खेतों में फसल बोई है, परंतु अभी तक बारिश नहीं हुई है, अगर अच्छी बरसात हो जाए तो हमारा कारोबार, हमारी फसल, हमारी तो खूब फसल होगी, और आप भगवान से प्रार्थना करना कि इस साल खूब बारिश हो, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, किस बात से पता चलता है कि किसान समझदार था, किस बात से पता चलता है कि किसान समझदार था, तो बेटा जो किसान, जो बूढ़ा आदमी था, जो बूढ़ा किसान था, वो कैसे पता चला कि वो समझदार था, क्योंकि उसने अपनी दोनों बेटियों को समझाया, और जो भी अपनी बेटियों की प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन ढूंढा, इसलिए इस बात से हमें पता चलता है कि जो किसान था वो क्या था, समझदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखित क्वेश्चन, राइटिंग स्किल, ओके। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो, तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर राइट करना है। कौन सी बेटी का विवाह किसान से हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी बेटी का विवाह किसान से हुआ था। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने अपनी कौन सी बेटी की शादी किसान से की थी, छोटी बेटी से, ठीक है, कौन सी बेटी की शादी किसान से की थी, छोटी बेटी से, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, बूढ़े आदमी की छोटी बेटी का विवाह किसान के साथ हुआ, मतलब जो बूढ़ा आदमी था उसकी जो छोटी बेटी थी, सबसे छोटी वाली जो बेटी थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था, उसकी शादी किसके साथ हुई थी, किसान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, कौन सी बेटी ने बड़ी संख्या में बर्तन बनाए थे, जो कि बूढ़ा आदमी, उसकी कौन सी बेटी ने बड़ी संख्या में बर्तन बनाए थे, किसने बनाए थे, बताएगा कोई, एनीवन, किसे इसका आंसर पता है, वेरी गुड, किसे पता है, हैंड रेस करिएगा, रेज योर हैंड्स, ईशानी मौर्य, रूही तिवारी, गौरी सिद्धि, अश्विन धीमान, शुभम मकवाने, वेरी गुड, हिमानी देशमुख, आस्था, सोम्या को नहीं पता आंसर, मीन सोम्या ने रीड नहीं किया,
साक्षी कुशवाहा, सोनाक्षी कुशवाहा को भी नहीं पता। सेजल वेरी गुड। नमन, नमन आपको पता है, रेज योर हैंड्स। नमन अगर आंसर पता है तो हैंड रेज कीजिएगा। ओके नमन, आस्था, आराध्या, कृष्णा कोल, त्रिशा कौशल एंड नेक्स्ट, रेज योर हैंड्स बेटा। वेरी गुड, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है। अक्षत पाल अपना वीडियो ऑन कीजिए। अक्षत, प्रियांशु शर्मा अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। चलिए सभी को आंसर पता है, तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ आपको आंसर पता है, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, कौन सी बेटी ने बड़ी संख्या में बर्तन बनाए थे। तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा, बड़ी बेटी ने बड़ी संख्या में बर्तन बनाए थे। किसने बनाए थे बर्तन? बड़ी बेटी ने। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी किसके साथ हुई थी? कुम्हार के साथ। ठीक है, जो बूढ़ा आदमी है, बूढ़े आदमी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी किससे की थी? कुम्हार से। ठीक है, इसलिए जो कुम्हार बड़ी बेटी है उसने बड़ी संख्या में बर्तन बनाए थे, मतलब उसने बहुत सारे बर्तन बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पिता ने छोटी बेटी को क्या समझाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? पिता ने छोटी बेटी को क्या समझाया। क्या समझाया था, आइए आंसर देखते हैं। यदि इस बार खूब वर्षा हुई तो तुम लाभ का आधा हिस्सा बड़ी बहन को देना। ठीक है, मतलब जो किसान बूढ़ा आदमी है उसने क्या समझाया था, पिता ने क्या समझाया था अपनी छोटी बेटी को, कि अगर इस बार बहुत वर्षा हुई, इस बार खूब बारिश होती है तो तुम अपने लाभ का, मतलब तुम्हें जो वर्षा जब बारिश होगी तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी और जो भी फसल तुम्हारी बिकेगी उससे तुम्हें जो भी फायदा होता है उसका क्या करना, आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। ठीक है, प्रश्न ख देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। मतलब आपको सही एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके तीन आंसर दिए गए हैं, जो भी आंसर है उस पर आपको राइट लगाना है। ओके क्वेश्चन देखिए, बूढ़े आदमी की कितनी बेटियां थी। तो बूढ़े आदमी की कितनी बेटियां थी बेटा, एक, दो या तीन? फिंगर से आपको आंसर बताना है। अगर आपका आंसर एक है तो वन फिंगर शो करिएगा, आंसर टू है तो टू फिंगर शो करिएगा, आंसर थ्री है तो थ्री फिंगर शो कीजिएगा। आराध्या गहलोत, आप पहले क्लास अटेंड कर लीजिए, जो भी आप इटिंग कर रहे हैं वो बाद में इटिंग कीजिएगा, या पहले आप इटिंग कर लीजिए उसके बाद क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। ये क्या तरीका है आराध्या, क्लास भी अटेंड कर रहे हैं आप, खाना भी खा रहे हैं वही, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये तो बैड मैनर्स है ना बेटा, आप बड़े हो गए हो, छोटे से बच्चे नहीं हो ना। ये सब बैड मैनर्स है। देखिए हमारी क्लास लाइव चल रही है, बहुत सारे लोग हमारी क्लासेस देख रहे होंगे, क्या कहेंगे कि ब्लॉसम के स्टूडेंट ऐसे हैं, क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और वहीं पर एटिंग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। ओके, आप या तो अपना जो भी आपको एटिंग करना है, जो भी खाना खाना है, आप खाना खा लीजिए उसके बाद क्लास अटेंड कर लीजिएगा, या क्लास कंटिन्यू कर लीजिए उसके बाद आप एटिंग कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। मतलब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर राइट करना है। ओके बेटा, किसी भी स्टूडेंट को अपना वीडियो ऑफ नहीं करना है, मैं सभी को देख रही हूँ, सभी को अपना वीडियो कंटिन्यू ऑन रखना है। प्रिया सूर्यवंशी बेटा अपना फोन प्रॉपर सेट कीजिए। आस्था काकड़े अपना वीडियो ऑन कीजिए। आस्था काकड़े, आस्था, अर्पित धीमान। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपका आंसर वन है तो वन फिंगर शो कीजिएगा, आंसर टू है तो टू फिंगर शो करेंगे, एंड आंसर देन आंसर थ्री है तो थ्री फिंगर शो करेंगे। ओके, बूढ़े आदमी की कितनी बेटियां थी, एक, दो या तीन? आंसर शो करना है आपको, फिंगर शो करना है, शो योर फिंगर एवरीवन। ओके वेरी गुड, बूढ़े आदमी की कितनी बेटियां थी बेटा, दो, टू बेटियां थी। ठीक है, तो आंसर में हम राइट करें, राइट हम किस पे लगाएंगे, दो पर। ठीक है, बूढ़े आदमी की कितनी बेटियां थी, तो कितनी बेटियां थी बेटा, दो। ठीक है, दो पर राइट लगाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, बूढ़ा आदमी पहले कौन सी बेटी के पास गया, छोटी बेटी के पास, मंझली बेटी के पास या बड़ी बेटी के पास? अगर आपका आंसर छोटी बेटी है तो वन फिंगर शो करेंगे, आंसर मंझली बेटी है तो टू फिंगर शो करेंगे, देन आंसर बड़ी बेटी है तो थ्री फिंगर शो करेंगे। क्विक फास्ट बेटा, वेरी गुड। त्रिशा का मैसेज आया है, नमन, नमन का भी मैसेज आया है, आस्था, आस्था आपका आंसर नहीं आया बेटा, फास्ट बताइए, फिंगर शो करना है आपको।
क्विक फास्ट बेटा, वेरी गुड। प्रिया का भी आंसर आ गया, आस्था अभी भी लेट है, वेरी गुड। सेजल, राशि, आराध्या बगेर, वेरी गुड। कृष्णा कोल, आपने आंसर नहीं बताया, कृष्णा। साक्षी कुशवाहा, वेरी गुड। शुभम भगवान, शुभम सिक्स, आपका आंसर सिक्स है क्या? आप दोनों फिंगर शो कर रहे हैं। हिमानी देशमुख का आंसर आया, वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए देखिए, बूढ़े आदमी पहले अपनी कौन सी बेटी से मिलने गए थे? तो बेटा सबसे पहले जो बूढ़ा आदमी वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने गए थे। किससे मिलने गया था? बड़ी बेटी से मिलने गया था ना, जिसने कहा था कि मैंने बहुत सारे बर्तन बनाए हैं, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इस बार बारिश ना हो। ऐसा हुआ था ना, हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना बेटा। तो जो बूढ़ा आदमी वो सबसे पहले किससे मिलने गया था? अपनी बड़ी बेटी से। ठीक है, हिमानी का आंसर रॉन्ग हो गया है। सबसे पहले वो किससे मिलने गया था बेटा? अपनी बड़ी बेटी से। तो आपको फिंगर शो करना था हिमानी, थ्री। कितनी फिंगर शो करना था हिमानी? थ्री फिंगर शो करना था, बट हिमानी ने वन फिंगर शो किया। कोई बात नहीं हिमानी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बेटी खूब वर्षा चाहती थी? मतलब जो बूढ़ा आदमी, उसकी कौन सी बेटी चाहती थी कि बहुत बारिश हो? बड़ी बेटी, छोटी बेटी, या कोई बेटी नहीं? फटाफट आपको फिंगर में आंसर शो करना है, फिंगर में आंसर शो करना है। अगर बड़ी बेटी आंसर है तो वन फिंगर शो करेंगे, अगर छोटी बेटी आंसर है तो टू फिंगर शो करेंगे, देन अगर आपका आंसर है कोई बेटी नहीं तो थ्री फिंगर शो करेंगे। वेरी गुड। आस्था का मैसेज आया है, त्रिषा, अंश राठौर का मैसेज नहीं आया, वेरी गुड। आराध्या गहलोत, वेरी गुड। नमन, वेरी गुड। रवि, मैंने अस्मिन हिमान आपसे कल लास्ट डे भी कहा था और कई बार आपको मैसेज किया है कि जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो अपने नाम से लॉगिन कीजिए। आप अपने फादर के नाम से क्लास लॉगिन करते हैं बेटा, आप अपना नाम पुट कीजिए। प्रिया सूर्यवंशी, इशिता सूर्यवंशी, आपने भी अपनी मदर के नाम से क्लास लॉगिन की है। आप सभी लॉगिन अपने नाम से क्लास लॉगिन कीजिए। ओके, फिर हमें कंफ्यूजन होता है कि अरे ये कौन स्टूडेंट आ गए, ये इस नाम की तो कोई स्टूडेंट ही नहीं हमारे स्कूल में। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने नाम से लॉगिन करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन सी बेटी खूब वर्षा चाहती थी? बड़ी बेटी, छोटी बेटी, कोई बेटी नहीं? देखिए हमारे पास काफी स्टूडेंट के आंसर आए और सभी का आंसर राइट है, वेरी गुड बेटा। आंसर होगा हमारा छोटी बेटी। ओके, आंसर क्या होगा हमारा? छोटी बेटी। छोटी बेटी चाहती थी ना कि बहुत बारिश हो, और अगर जब बारिश होगी तो जो छोटी बेटी की जो उसने अपने खेतों में फसल लगाई है वो बहुत अच्छी होगी, है ना? छोटी बेटी चाहती थी ना बेटा, तो आंसर होगा हमारा छोटी बेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ग है हमारा, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। ठीक है, देखिए हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे आग्रह, उलझन, बूढ़ा, बरसात और विवाह। ठीक है, ये हमें शब्द दिए गए हैं और नीचे हमें फाइव क्वेश्चन दिए गए, हमें क्या करना है? इन शब्दों को इन लाइन में फील करना है। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी था, तो क्या हो जाएगा इसमें? हम क्या फील करेंगे? बूढ़ा। क्या फील करेंगे बेटा? आपको अभी राइट नहीं करना है गौरी सिद्धि, आपको राइट नहीं करना है बेटा। इस क्वेश्चन के आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे, आप उससे राइट कर लीजिएगा। ओके, एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेटी का एक कुमार के साथ हुआ था, तो क्या हुआ था? एक बेटी का विवाह। ठीक है, शादी। तो यहाँ पर हम फील करेंगे, एक बेटी का विवाह एक कुम्हार के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, बेटी ने पिता से किया, बेटी ने पिता से किया, क्या किया था? तो यहाँ हम आंसर फील करेंगे आग्रह। क्या फील करेंगे बेटा? आग्रह। तो क्या हो जाएगा? बेटी ने पिता से आग्रह किया। ठीक है, बेटी ने क्या किया था? पिता से आग्रह। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, अच्छी हो जाए तो खूब फसल होगी। अच्छी क्या हो जाए? बारिश। ठीक है, अच्छी क्या हो जाए बेटा? बारिश। तो यहाँ पर हम बारिश नहीं फील करेंगे, हमें दिया है बरसात। हमें वर्ड क्या दिया है बेटा? बरसात। तो हम लिखेंगे, अच्छी बरसात हो जाए तो खूब फसल होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अच्छी बरसात हो जाए तो खूब फसल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, पिता बड़ी में फंस गए।
पिता बड़ी में फंस गए। किसमें फंस गए थे पिता? पिता, तो यहाँ पर हम फील करेंगे उलझन। क्या फील करेंगे बेटा? उलझन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पिता बड़ी उलझन में फंस गए। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिता बड़ी उलझन में फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का देखिए, किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें चैप्टर की कुछ लाइन दी गई है, हमें ये बताना है कि ये वर्ड, ये लाइन किसने कही थी और किससे कही थी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन हमें दी है, अगर वर्षा ना हो तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। ऐसा किसने कहा था कि बारिश नहीं हो तो हमारा कारोबार खूब चलेगा? तो बेटा ये किसने कहा था? बड़ी बेटी ने। ठीक है, किसने कहा था? बड़ी बेटी ने। और किससे कहा था? तो बड़ी बेटी ने कहा था अपने पिता से। किससे कहा था बेटा? पिता से। इसे हम लिखेंगे बड़ी बेटी ने पिता से कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस बार खूब बारिश हो। क्या कह रहा है हमें? आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस बार खूब बारिश हो। किसने कहा था? छोटी बेटी ने। किसने कहा था कि भगवान से आप प्रार्थना करो कि बहुत बारिश हो? तो ऐसा कहा था बेटा छोटी बेटी ने। किससे कहा था? छोटी बेटी ने किससे कहा था? पिता से कहा था। ठीक है, छोटी बेटी ने किससे कहा था बेटा? पिता से कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अगर इस बार वर्षा ना हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना। क्या कहा था? कि अगर इस बार बारिश ना होती है तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना। ऐसा किसने कहा था? एनीवन, कोई स्टूडेंट है जो आंसर बताएंगे? आस्था, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट हैंड रेस करके रखिएगा। अश्विन, वेरी गुड अश्विन। नमन उपाध्याय, नमन माधुरी प्रजापत, वेरी गुड। त्रिशा कौशल, त्रिशा भी बताएंगे आंसर, वेरी गुड। नमन उपाध्याय एंड आस्था, बस बाकी स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे। आस्था, नमन और माधुरी, बाकी स्टूडेंट वेरी गुड। राशि भी बता पाएंगे, कृष्णा कौल, आराध्या वगैरह, सेजल भगत, शुभ, सोम्या साहू एंड हिमानी। चलिए हम पूछते हैं हिमानी से। ओके हिमानी, आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। हिमानी सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। हाँ हिमानी बताइए, किसने कहा था बेटा कि अगर इस बार वर्षा ना हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना? किसने कहा था ऐसा हिमानी? यस बेटा, हिमानी की किसने कहा था? हिमानी, हिमानी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। हिमानी की आई थिंक वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए शायद हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर इस बार वर्षा ना हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना, ये किसने कहा था? तो बेटा ये कहा था पिता ने। ठीक है, किसने कहा था? पिता ने। और किससे कहा था? तो पिता ने कहा था बड़ी बहन से। ठीक है, मतलब अपनी अपनी बड़ी बेटी से कहा था। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बहन लिखा है, आप लोग बेटी लिख लीजिएगा। पिता ने कहा था अपनी बड़ी बेटी से। ठीक है, क्या कहा था? कि अगर इस बार बारिश नहीं होती है तो तुम्हें अपनी कमाई से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा तुम अपनी छोटी बहन को दे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा क्वेश्चन, शब्दों को तीर से मिलाकर जोड़े बनाओ। ठीक है, मतलब देखिए हमें शब्द दिए गए हैं, उसे तीर से हमें
मतलब मैच द कॉलम करना है, ठीक है, मैच करना है। देखिए हमें फर्स्ट वर्ड दिया है बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा को हम किससे मैच करेंगे, आदमी से। यहाँ पे हमें करा हुआ आप लोग बुक में देखिएगा, फील करा हुआ दिया गया है बूढ़ा आदमी, ठीक है। अब सेकंड हम मैच करेंगे बड़ी, ठीक है, तो बड़ी कौन थी बेटा, तो बड़ी को हम फील करेंगे बेटी से, ठीक है, बड़ी को किससे मैच करेंगे, बेटी से। तो यहाँ हो जाएगा हमारा बड़ी बेटी। देखिए नेक्स्ट हमें दिया गया है बड़ी, और बड़ी को हम मैच करेंगे बेटी से, ठीक है, किससे मैच करेंगे, बेटी से। तो क्या बन जाएगा, बड़ी बेटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है बहुत, ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है बहुत, तो बहुत को हमें मैच करना है मेहनत से, ठीक है, बहुत को किससे मैच करेंगे, मेहनत। तो क्या हो जाएगा, बहुत मेहनत, क्या हो जाएगा, बहुत मेहनत, ओके। फोर्थ है अच्छी, फोर्थ क्या दिया है हमें, अच्छी, तो अच्छी को हम मैच करेंगे, बारिश, अच्छी बरसात, ओके, अच्छी को किससे मैच करेंगे, बरसात से, अच्छी बरसात। फिफ्थ है आधा, आधा क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा, फिफ्थ क्या होगा बेटा, आधा हिस्सा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ख, नीचे दिए गए शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों के सामने लिखो, ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, परिश्रम, प्रार्थना, हानि, परिश्रम, प्रार्थना, हानि, शादी, व्यापार और बारिश। और यहाँ पे भी हमें वर्ड दिए गए हैं, विवाह, मेहनत, वर्षा, कारोबार, आग्रह और नुकसान। हमें क्या करना है, इन वर्ड्स से, इसमें से जो भी वर्ड मैच हो रहे हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमें दिया है विवाह, तो विवाह से क्या मैच हो रहा है, शादी, ठीक है, मतलब विवाह और शादी दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मीन्स एक ही होता है, तो विवाह को हमने किस, विवाह के सामने हमने क्या लिख दिया, शादी, ठीक है। सेकंड हमें दिया है मेहनत, सेकंड वर्ड हमें क्या दिया है, मेहनत, तो मेहनत को हम मैच करेंगे परिश्रम से, मेहनत को किससे मैच कर देंगे, परिश्रम, तो मेहनत का क्या हो जाएगा बेटा, परिश्रम, ठीक है। फिर है वर्षा, नेक्स्ट वर्ड हमें दिया है वर्षा, ठीक है, तो वर्षा मीन्स हो जाएगा बारिश, वर्षा मीन्स क्या होगा, बारिश, ठीक है। फोर्थ है कारोबार, फोर्थ वर्ड हमें क्या दिया है, कारोबार, कारोबार मीन्स हो जाएगा व्यापार, कारोबार मीन्स क्या होगा, व्यापार, ठीक है, व्यापार करना या कारोबार करना एक ही वर्ड होता है। आग्रह हमने पढ़ा था शब्दार्थ में, आग्रह मीन्स होता है प्रार्थना, आग्रह मीन्स क्या होता है बेटा, प्रार्थना, प्रार्थना करना, ठीक है। फिर है सिक्स नुकसान, नुकसान मीन्स होगा हानि, नुकसान मीन्स क्या होगा, हानि, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्टिविटी, अब हमें कुछ एक्टिविटी दी गई है वो करना है। चार्ट पेपर पर घड़े का चित्र बनाओ, चार्ट पेपर मीन्स होता है बेटा ड्रॉइंग शीट, चार्ट पेपर मीन्स क्या होता है, ड्रॉइंग शीट। तो क्या कहना चाह रहा है, चार्ट पेपर पर घड़े का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरकर अपनी कक्षा में दिखाओ। तो देखिए हमारी क्लासेस तो ऑफ है, तो आपको क्या करना है, ड्रॉइंग शीट पर एक घड़े का, एक पॉट का, एक घड़े का चित्र बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है, और फिर कल मुझे आपको क्लासेस में दिखाना है, ओके, कल या मंडे, ठीक है। अभी आज
आज थर्सडे है ना, कल फ्राइडे सैटरडे 2 days है, आप आज बना लीजिएगा, और अगर आज आप नहीं बना पाते तो कल बनाइएगा, और सैटरडे को मैं क्लास में देखूंगी। ओके, सैटरडे को क्लास में सभी से मैं पूछूंगी कि किसने घड़े का डायग्राम बनाया, आप लोग मुझे शो कीजिएगा। ओके ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है, चैप्टर 2 हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है। अब आपका होमवर्क रहेगा कि आपको चैप्टर 2 की एक्सरसाइज अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। ओके क्लियर हुआ होमवर्क? क्लियर हुआ तो हैंड रेस करके बताइएगा, अगर आपका होमवर्क क्लियर हुआ तो हैंड रेस कीजिएगा, रेज योर हैंड्स बेटा। ओके वेरी गुड, तो बेटा आपको क्या करना है, चैप्टर जो हमने आज चैप्टर पढ़ा, चैप्टर थ्री है समझदार किसान, इसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है, इस एक्सरसाइज को आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। ओके फिर अब हम कल मिलते हैं, हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है, कल हम अपने आगे की जो क्लास आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा कल मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।